क्या आप भी अपने फोटोज ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने फोटोज एप्लीकेशन पर या अपनी गैलरी पर आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं और उसे अपने फोटोज या वीडियोस को कैसे सेफ या सुरक्षित रख सकते हैं? तो फिर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और जहाँ पर देखिए अपने फोटोज पर हम अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा मोबाइल अगर कोई लेता है तो डायरेक्टली हमारी गैलरी या फोटोज को ओपन कर लेता है, तो वहाँ पर देख लेता है। तो अगर आप लगाना चाहते फिंगरप्रिंट लॉक, तो आपके फिंगरप्रिंट के बगैर वो गैलरी या फोटोज एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अपने फोटोज एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं। देखिए यहां पर डायरेक्टली ओपन हो जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर कोई भी प्राइवेसी नहीं लगी हुई है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाएंगे और ऊपर देखिए यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप लॉक का। आप सिंपली ऐप लॉक पर यहां पर क्लिक करेंगे, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए भी आएंगे तो यहां पर देखिए एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। आप यहां पर क्लिक करेंगे, फिर देन नीचे डाउन करेंगे थोड़ा, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऐप लॉक का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे पहली बार आएंगे तो देखिए आपको जो ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने को बोला गया है। जब आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर आपको ना एक पासवर्ड आपको सेट कर लेना है, देन पासवर्ड सेट करेंगे। इसके बाद देखिए आपको हो सकता है नेम डालने का ऑप्शन है, तो नेम डालेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर देखिए कुछ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले ये टिक है, इन सभी को आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है। देन नीचे देखिए लॉक का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूज ऑफ फिंगरप्रिंट रिकमेंडेड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हैं तो हम यूज पर क्लिक करेंगे और अभी देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, आप इन सभी एप्लीकेशन के ऊपर भी फिंगरप्रिंट अप्लाई कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं फोटोज एप्लीकेशन की। तो चलिए यहाँ पर हम फोटोज एप्लीकेशन पर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है जिस पर भी आप लगाना चाहते हैं। तो देखिए हम इस पर लगाना चाहते हैं, फोटोज पर हम क्लिक करेंगे, ऐप लॉक के सामने इनेबल कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर फोटोज के सामने ये देखिए लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब इस पर आपको ये जो एप्लीकेशन है इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेटिंग से देख लेते हैं, तो हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा है यूज फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक, तो अगर आपका ये बंद है तो इसे इनेबल कर देना है, तभी अप्लाई होगा। अब यहाँ से बैक करते हैं, तो देखिए हम अपने फोटोज को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए पहले ओपन हो गया था लेकिन अभी आपको स्क्रीन ब्लैक कर शो कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो मैं अटैच कर देता हूँ, तभी देखिए यह गैलरी ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखिए जैसे हम बैक करते हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने गैलरी या फोटोज एप्लीकेशन के ऊपर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।